इलाका है वो वंचित था। तो पहले चरण में जो बाड़मेर में जो 688 करोड़ की योजना है उससे आसपास के जितने भी गांव हैं, जो पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए गांव हैं, जो गांव हैं ढाणियां हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। और इस योजना के लिए सभी का जो प्रयास कहें, भागीरथी प्रयास कहें, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें, यहाँ के सांसद और विधायकों की बात करें, सभी ने कोशिश की और उसका पहला चरण जो है, इसलिए यहाँ की जो जनता इसलिए भी धन्यवाद दे रही है कि ये पानी के लिए तरसती रही है इस क्षेत्र की जनता। ये ठेठ रेगिस्तान है और पाकिस्तान के सीमा से सटा हुआ वह जिला है जो आजादी के पहले से और आजादी के बाद इतने सालों तक पानी के लिए तरसता रहा है। राजीव, लगातार लोग वहां पर बैठे हुए हैं, लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी का, वो आएंगी और इस परियोजना का शुभारंभ करेंगी। कितना समय और लगेगा? लगातार हमारे जहन में भी ये सवाल लग रहा है कि कब तक पहुंच सकती हैं सोनिया गांधी। देखिए, जिस तरीके से जो आयोजक बता रहे हैं, जो नेताओं से अधिकारियों से हमारी बात हुई है, बस सोनिया गांधी पहुंचने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है 1 बजे सोनिया गांधी यहाँ स्टेडियम पहुंचेगी। जो एक आदर्श स्टेडियम है, वहाँ जो आप भीड़ है वो दूर दराज क्षेत्रों से आई है, गांवों से आई है, अलग अलग जिलों से आई है। और आप जो महिलाओं का जो उत्साह, मैं बार बार आपको निवेदन कर रहा हूँ कि जो राजस्थान की संस्कृति है, जो राजस्थान की वेशभूषा है, और जो ठेठ गांव की महिलाओं, चाहे शहर की महिलाओं, चाहे कस्बे की महिलाओं, आप देख सकते हैं, और दूर दराज क्षेत्रों से ग्रामीण इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं, सोनिया गांधी को सुनने के लिए आए हैं और यहाँ इस परियोजना के साक्षी बनने के लिए आए हैं। राजीव, गहलोत साहब वहाँ पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री वहाँ पहुंच चुके हैं, और कौन कौन से नेता वहाँ पर मौजूद हैं, और सुरक्षा की अगर बात करें तो किस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था वहाँ की गई? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो कल अखिलेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल ही पहुंच गए थे। और जो बात करें, जिस तरीके से यहाँ पे प्रभारी मंत्री हैं, जो प्रभारी सचिव है यहाँ के, जो प्रभारी मंत्री हैं, जो संसदीय सचिव राजस्थान के, दिलीप चौधरी इस वक्त तो हमारे साथ है। उनसे पूछते हैं कि ये किस तरह की योजना है, कैसी है योजना, ये किस तरह की योजना है, लाभ मिलेगा इसमें? ये 668 करोड़ की बहुत बड़ी वृहद पेयजल योजना है, बाड़मेर लिफ्ट कैनाल योजना, और इसमें 529 गांव इसमें लाभान्वित होंगे। और आज आप देख रहे हैं कि हिमालय का पानी बाड़मेर आ रहा है, और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की एक सोच है कि हिंदुस्तान का जो सीमावर्ती जिला बाड़मेर है, वहाँ के लोगों को हिमालय का मीठा पानी पिलाने की जो संकल्प था, वो आज सोनिया गांधी जी के माध्यम से पूरा होने जा रहा है। और आज इस हाजर स्टेडियम के अंदर हमने 1 लाख का टारगेट रखा, लेकिन आज 2 लाख से अधिक लोगों की भीड़, जुनून और जज्बा जो है लोगों में आज आप देख रहे हैं। आपको लगता है कि सोनिया गांधी कुछ और तोहफे भी दे सकती है आज? सब सोनिया गांधी जी की देन है राजस्थान पे। आज हिमालय का जो पानी आया है, और यही नहीं, बाड़मेर जिले के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2501 करोड़ रुपए 5 अन्य योजनाओं के लिए भी स्वीकृत किए हैं। इस 668 की जो योजना आज सोनिया गांधी जी आगाज करेगी, उसके अलावा भी 5 अन्य पेयजल योजना, जिस पर भी 2501 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हमारे साथ अखिलेश यहाँ के एमएलए मेवराम जैन से पूछते हैं। मेवराम जी, किस तरह का माहौल, कितनी भीड़ आप मान रहे हैं? हमारे यहाँ आज इस आज के दिन को उत्सव की तरफ से मना रहे हैं। पूरे बाड़मेर जिले का माहौल आज हर्ष और उल्लास है। हमारे लिए आज का ऐतिहासिक दिन आज से पहले कभी नहीं आया। हमारे वर्षों की जो पानी की समस्या है, उसकी मुराद हमारी पूरी होने जा रही है। जनता में, चाहे महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, सब में उत्साह है कि हमारी नेता यहाँ सोनिया जी आवे और उनका हम पलकें बिछाकर उनका स्वागत करें, क्योंकि जब वर्षों से हम तड़प रहे थे वो हमारी आज मांग पूरी हो रही है। मैं बाड़मेर की जनता की ओर से, सभी ओर से आज हमारे माननीय नेताजी का, सोनिया जी का तहे दिल से हम स्वागत और अभिनंदन करना चाहेंगे कि उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य हमारे बाड़मेर जिले के लिए कराया। तो देख सकते हैं कि अखिलेश किस तरह का उत्साह जनता के साथ साथ यहाँ के नेताओं के अंदर है। अखिलेश, राजीव, जिस तरह से हम सुरक्षा को लेकर बात कर रहे थे, सुरक्षा की किस तरह की स्थिति है, किस तरह का अगर दायरा बताया जाए तो किस तरह की तैयारियां वहां पर की गई? सोनिया गांधी वहां पर पहुंचने वाले हैं। देखिए, जो सुरक्षा का मैं बताना चाहूंगा कि सुरक्षा 3 चक्रों में यहाँ पे जांची जा रही है। मुख्य द्वार के बाद में बीच में 2 और द्वार हैं, और मोबाइल पे पाबंदी है, किसी प्रकार की मोबाइल की अनुमति नहीं है मीडिया को छोड़कर। तो और जिस तरीके से यहाँ पे 1000 से अधिक जो है अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं, तो उससे अंदाजा लगा जा सकता है कि सुरक्षा, चूंकि सोनिया गांधी की सुरक्षा को देखते हुए ये सब इंतजाम किए गए हैं। और अब थोड़ी देर बाद सोनिया गांधी यहाँ पहुंचने वाली है, और जिस तरह की तैयारियां जो SPG की टीम है, जो अन्य एजेंसियां हैं, सभी ने पुख्ता कड़े बंदोबस्त किए हैं। अखिलेश, बिल्कुल राजीव, जिस तरह से तैयारियां नजर आ रही, लोगों की तैयारियों की अगर बात करें, लोगों को जो सुविधाएं मिल रही हैं,
वो किस तरह की, अगर स्टेडियम की बात करें, क्योंकि तमाम लोग वहां पहुंचे हैं, दावे किए जा रहे हैं 1 लाख लोगों के पहुंचने के, लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है, किस तरह की सुविधाएं वहां पर? देखिए अखिलेश, मैं बताना चाहूंगा सुविधा के नाम पे ये जो अंदर का जो पंडाल है, उस पंडाल के अंदर तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पंखे की और सबकी व्यवस्था की गई है, सबकी व्यवस्था की गई है, लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाकी जो क्षेत्र है उसमें पंखों की व्यवस्था नहीं है, और यहाँ आज उमस भी है, गर्मी भी है, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जिस जो बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो आपके सबके सामने हैं, और लेकिन जनता के अंदर उसकी कोई तकलीफ नहीं है कि उमस है, गर्मी है या पंखे नहीं है, तो वाली बात है, और इसलिए बाकी सारी इंतजाम का ध्यान रखा गया, लेकिन जनता को उन सुविधाओं की शायद जरूरत नहीं है। राजीव, जिस तरह से अगर बात करें, आप उमस की बात कर रहे हैं, उमस के ऊपर कहीं ना कहीं उमंग आज भारी है, क्योंकि वर्षों की जो प्यास है, सालों की जो प्यास है वो आज मिटने वाली है, हिमालय का पानी धरती पर आ रहा है, मरुधरा की धरती पर पहुंचने वाला, लोगों की प्यास वहां पर मिटने वाली है, और लंबी परियोजना 10 साल इसको लग गए हैं, और 10 साल में फर्स्ट फेज पूरा हुआ है, 688 करोड़ रुपए सरकार ने यहां पर खर्च किए ताकि इन आम लोगों को कुछ फायदा हो सके। राजीव, आपके साथ कुछ लोग वहां पर और मौजूद हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल, उन कुछ आम लोगों के अलावा इस वक्त हमारे साथ राजस्थान सरकार के मंत्री भी हैं, अमीन खान जी भी, हेमाराम चौधरी, उनसे बात करते हैं। हेमाराम जी, क्या कहेंगे इस योजना से कितने लोगों को लाभ मिलेगा? बाड़मेर जिले के लिए ये बहुत ही महती योजना है। बाड़मेर जिले में शहरों और गांवों और ढाणियों में पीने के पानी की गंभीर समस्या थी, जिसके समाधान के लिए बहुत लंबे समय से प्रयास चल रहे थे, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद में ये योजना सफल हुई है, और बाड़मेर शहर और बाड़मेर जिले के गांव और ढाणियों में इसका जो मीठा पीने का पानी मिलेगा उससे बहुत बड़ा जनता को राहत मिलेगी। हमारे साथ अमीन खान भी, राजस्थान सरकार के मंत्री, उनसे पूछते हैं इस योजना का किस तरह का कैसा लाभ मिलेगा? बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, हिमालय का पानी इस रेगिस्तान में लोगों को आराम से मिलेगा, इससे ज्यादा सुविधा क्या हो सकती है? नतीजा बहुत अच्छा आएगा। आज तो तमाम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हुए हैं, और जिस तरह से मंत्री अपनी बात रख रहे हैं, लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत वहां पर पेश नहीं आएगी, और वहां पर लोगों को हिमालय का पानी मिलेगा, मरुधरा की धरती पर लोगों को हिमालय का पानी मिलेगा, लोगों की प्यास बुझेगी, और सभी को इंतजार है, सोनिया गांधी वहां पहुंचने वाली है, और उसके बाद वहां पर बाड़मेर लिफ्ट कैनाल परियोजना जो है, पेयजल परियोजना है, उसका शुभारंभ करेंगी सोनिया गांधी।